हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही सिंपल गाउन जिसे मैंने इस ड्रेस के इंस्पायर्ड होके क्रिएट करने की कोशिश की है। आई होप आप सबको पसंद आए। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले हम बॉडीज बनाएंगे। बॉडीज के कपड़े को मैंने यहाँ पर लिया है करीबन 1 मीटर, उसको 4 फोल्ड में मैंने फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद उसके ऊपर अपनी कोई भी फिटिंग कुर्ती को प्लेस करके रख दिया है। प्लेस करने के बाद हम यहाँ पर शोल्डर का, आर्म होल्स का और साइड के फिटिंग की मार्किंग ले लेंगे। और मार्किंग लेने के बाद इन सारी मार्किंग्स को हमें सीजर के हेल्प से कट कर देना होगा। मार्किंग लेते समय आप ध्यान दीजिएगा कि एटलीस्ट 1 इंच आप सीम अलाउंस के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप बैक के फैब्रिक को निकाल लीजिए ताकि हम फ्रंट के फैब्रिक का गला कट कर सके। तो नेक यहाँ पे मैं रखूंगी स्क्वायर शेप का, थोड़ा सा ब्रॉड रेक्टेंगल शेप का नेक रहेगा, इसलिए 4 इंच की लंबाई और 3 इंच की चौड़ाई के साथ मैं यहाँ पर अपना नेक के लिए एक बॉक्स क्रिएट करूँगी। और उस बॉक्स को कट करने के बाद हमें कुछ इस तरीके का शेप का नेक मिलेगा। उसके बाद हमें अपने बैक के फैब्रिक का भी नेक कट करना होगा। तो बैक के फैब्रिक के नेक कट करने के लिए हम बैक के फैब्रिक को लेंगे और उसे रैंडमली करीबन 2 इंच का हम राउंड शेप दे देंगे ऐसे ही, और उसके बाद उसे कट कर देंगे। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर अपने नेक के एरिया को 1 इंच अंदर फोल्ड करते हुए हेम कर देना होगा और शोल्डर को जॉइन कर लेना होगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा शोल्डर है वो जॉइन हो चुका है, मेरे फ्रंट के नेक पे लेस लगा लिया है। स्लीव्स कटिंग की वीडियो नहीं आ पाई, आई एम रियली वेरी सॉरी अबाउट दैट, बट मैंने बहुत सारी जगहों पर स्लीव्स कट किया है तो आप चेक कर सकते हैं मेरी बाकी सारी वीडियोस। यहाँ मैं स्लीव्स लगाना बता देती हूँ। तो स्लीव्स लगाने के लिए आप ब्लाउज को इस तरीके से सीधा रखिए, स्लीव्स को उल्टा रखते हुए कुल घुमाते हुए आप यहाँ पे अपनी स्लीव्स को अटैच कर दीजिए। स्लीव्स अटैच करने से पहले नीचे करीबन में ये 3 इंच का बॉर्डर गोल्डन कलर का शिमरी कपड़े लगाऊंगी और उसके ऊपर ही लेस जॉइन कर लूंगी। और ये स्लीव्स लगाने के साथ साथ मैं पूरी साइड की फिटिंग भी कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने स्लीव्स पर वो गोल्डन बॉर्डर और लेस लगा दिया है और साइड की भी फिटिंग और स्लीव्स की भी स्टिचिंग मैंने यहाँ पर कर दिया है। बॉडीज रेडी होने के बाद हम नीचे का फ्लो रेडी करेंगे। तो फ्लो के लिए हमने फैब्रिक को फोल्ड फोल्ड कर लिया है। वेस्ट के भाग को हम इस तरीके से कट करेंगे, जितना भी वेस्ट है जैसे कि 32, तो 6.28 से डिवाइड करने के बाद 5 आएगा। तो 5 हर जगह से लेने के बाद एक कर्व शेप दे दीजिए और उसके बाद उस नीचे से आप सबसे पहले हाइट ले लीजिए। तो नीचे से जो मेरी हाइट आ रही है वो है 25, तो मैं ऊपर से अपने टेप को वापस से प्लेस कर लूंगी फॉर बेटर मेजरमेंट, ताकि हर जगह से मैं इक्वल मेजरमेंट आराम से ले सकूं। तो ऊपर से जो मैंने प्लेस किया वापस से इतनी इंच टेप को तो आएगा 30। तो हर जगह हम 30 इंच का मार्किंग ले लेंगे और उस मार्किंग के एरिया को हमें कर्व शेप में दे देना होगा। इस तरीके से आप बराबर से इंच टेप घुमाते हुए हर जगह से 30 इंच ले लीजिए। एक्चुअल जो हाइट आई है वो है 25। उसके बाद आपको मैं निशान भी बता देती हूँ यहाँ पर क्लोजअप से कि किस तरीके से हमने कर्व शेप दिया है। मेरा जो फैब्रिक मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है वो है वेलवेट का। मैं आपको ये बता दूँ वेलवेट का फैब्रिक इस्तेमाल किया है और फ्लो के लिए मैंने यहाँ पे 3 मीटर का फैब्रिक भी इस्तेमाल किया है। तो आप देख सकते हैं क्लोज बाय इस तरीके से आपको कर्व शेप में मार्किंग्स देनी होगी और ऊपर और नीचे की मार्किंग्स को आपको कट कर देना होगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। कटिंग हो जाने के बाद जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का शेप मिलेगा। तो आप देख सकते हैं हमें कितना ही ज्यादा यहाँ पे फ्लो मिला है। हाइट की यहाँ पे हमें चिंता नहीं करनी है, हमारी जो बॉडीज थी वो है थी 18 इंच, नीचे का फ्लो 25 हुआ है, तो हम नीचे एटलीस्ट 10 इंच का गोल्डन शिमरी का कपड़ा इस तरीके से नीचे साथ जॉइन कर देंगे और उसके ऊपर हम जॉइनिंग के पास जो है वो इस तरीके की लेस, जो काफ़ी शाइनिंग लेस होती है, उस जॉइनिंग के पार्ट पे हम ये लेस भी लगा लेंगे।
सो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है वो जॉइन कर दिया है अपनी लेस को और कितना ही ज़्यादा हाइट भी बढ़ चुकी है और नीचे गोल्डन का बॉर्डर भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। मैं क्लोज वे में भी आपको दिखा देती हूँ कि ये कितना ही ज़्यादा प्रीटी लग रहा है। इस तरीके से आप अपनी लहंगे की हाइट भी बढ़ा सकते हैं और उसे ब्यूटीफुल बना सकते हैं। इस तरीके से जॉइनिंग के पार्ट पे मैंने वो उस तरीके की लेस लगाई है और नीचे की तरफ मैंने पाइपिंग की लेस लगाई है। तो इस तरीके से हमारा जो लहंगा है वो नीचे का अटैच हो चुका है, रेडी हो गया है। अब ब्लाउज को और लहंगे को दोनों को आप अटैच कर लीजिए कमर के पास से। सो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है वो अटैच कर लिया है। अब अटैच करने के बाद जो इसकी पिक की ड्रेस का इंस्पायर जो पिक था उसके ओरिजिनली वेस्ट पर मिरर लगा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं। बट यहाँ पर जो है वो मैं मिरर भी लगा सकती हूँ अगर आपको लगाना है तो। इस तरीके से स्क्वायर और राउंड शेप के मिरर को आप मिक्स करके 3 इंच या 2 इंच के बॉर्डर को ड्रॉ करके लगा सकते हैं, या फिर अगर आपको मिरर बराबर से नहीं लगता है और वो लगने के बाद ब्यूटीफुल नहीं लगता है तो इस तरीके की लेस भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लेस लगाऊंगी ताकि वो ज़्यादा नीट दिखे। मिरर जो है हम लगाएंगे तो इतने ज़्यादा नीट नहीं दिखता है। बट मैं आपको प्लेसिंग करके बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको मिरर को इस तरीके से लगाना होगा। आपको स्क्वायर शेप, राउंड शेप के मिरर या कोई भी ऐसे मिरर जो आपको पसंद है उस तरीके का मिरर को इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ग्लू गन या फैब्रिक ग्लू के हेल्प से इसे स्टिक कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से मैंने प्लेसिंग किया है। बट मैंने फाइनली जो वेस्ट पे लगाया है वो लेस लगाया है जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये इस तरीके का जो दुपट्टा था मेरे पास गोल्डन कलर का जिसमें पर्ल का काम है और लेस में भी पर्ल का काम था, इसीलिए मैंने ये लेस यहाँ पर सिलेक्ट किया लगाने के लिए। सो आई होप गाइज आपको मेरा ये जो ड्रेस है वो पसंद आया होगा और बहुत ज़्यादा सिंपल और ईजी लगा होगा इसको बनाने के लिए भी। आई होप आपको मेरा आज का ये DIY वीडियो पसंद आए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और सजेस्ट कीजिए मुझे आगे क्या बनाना चाहिए। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर, टिल नेक्स्ट टाइम।